नाचने वाला बंदर। गोली बंदर को नाचने का बहुत शौक था। जंगल में किसी की भी शादी या जन्मदिन होता तो गोली खूब खुश होकर नाचता। गोली को देखकर बाकी जानवर भी नाचने लगते थे और सभी को गोली बहुत पसंद था। भाई, जंगल की कोई शादी हो या त्योहार, गोली के नाचे बगैर अधूरा सा लगता है। असली रौनक तो तुम्हारे नाचने से आती है गोली। सबको गोली बहुत भाता था। एक दिन टूटू घोड़े के जन्मदिन में नाचते हुए अचानक से गोली का पैर मुड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं नाच सकता। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन गोली का पैर ठीक नहीं हुआ। टुकू को गोली की बहुत चिंता थी, इसीलिए वो हर रोज उसके लिए दवा लेकर जाता, उसकी मरहम पट्टी करता, उसका खूब ख्याल रखता। दोस्त, ये मेरे कारण हुआ, तुम्हें और नाचने के लिए मैंने ही कहा था। काश उस दिन तुम इतना ना नाचते, मुझे माफ कर दो दोस्त। तुम कैसी बातें कर रहे हो दोस्त, तुम भी ना दोस्त भी कहते हो, और तुम्हारे लिए मैं नहीं नाचूंगा तो और कौन नाचेगा। हाँ, आखिर तुम्हारे लिए नाचने में मुझे खुशी जो मिलती है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद गोली का जन्मदिन आता है और वो सोचता है, काश मेरा पैर ठीक होता तो आज अच्छी सी पार्टी देता, अपने दोस्तों को बुलाता, खूब नाचता। ओहो, गोली उदास होकर बैठ जाता है। लेकिन गोली को प्यार करने वाले जंगल में बहुत थे। गोली से बात करना, उसके साथ नाचना हर एक को पसंद था। सभी जानवरों ने मिलकर एक पार्टी का आयोजन किया और गोली की बर्थडे पार्टी रखी। गोली को सरप्राइज दिया। शाम के वक्त सब लोग जमा हो गए और एक उत्सव मनाया। गोली बहुत खुश था। इस बार गोली को छोड़कर हर कोई नाच रहा था। गोली बहुत खुश था। गोली ने कहा, दोस्तों, तुमने तो आज मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन बना दिया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैं बहुत खुश हूँ। सच में तुम जैसे दोस्त पाकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। कुछ दिन बाद गोली का पैर फिर से भला चंगा हो गया और इस बार वो पहले से भी ज्यादा उधम मचा कर नाचने लगा, क्योंकि हर एक को उसका नाचना बहुत पसंद था। उसने अपने साथ साथ अपने कुछ दोस्तों की मंडली बनाई, जिनके साथ मिलकर वो शादी ब्याह में नाचने लगता और सभी को खुश रखता। मेरी गैया। गोपी और कृष्णा दोनों भाई बहन अपनी गैया से बहुत प्यार करते थे, उसका खूब ख्याल रखते थे। गैया थी ही इतनी प्यारी, पूरे गांव में इतनी सुंदर गैया किसी के पास नहीं थी। एकदम गोरी चिट्टी, काली काली आंखें और हमेशा मुस्कुराती। इतना दूध देती कि हर कोई वो दूध पीना पसंद करता था। गैया के साथ कृष्णा और गोपी का प्यार देखकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अरे कृष्णा, गोपी, अरे बस करो, कितना सजाओगे गैया को, परेशान हो जाएगी तुम दोनों से। नहीं माँ, गैया हमें बहुत प्यार करती है। हाँ माँ, देखो ना कैसे पूंछ हिला रही है, हम तो सारा दिन इसके साथ खेलते हैं, मन ही नहीं भरता। जानती हो माँ, पड़ोस के गांव में एक प्रतियोगिता होने वाली है कि कौन सी गाय सबसे खूबसूरत है। हमें पूरा विश्वास है, अगर उस प्रतियोगिता में हमारी गैया गई ना तो वो जीत जाएगी, क्यों बिंदु? गैया का नाम बिंदु था और वो बहुत खूबसूरत थी। वो मुस्कुराती है और उसकी मुस्कान देखकर घर के बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, अब चलो चलकर सो जाओ, और सोने से पहले गैया का दूध पीना मत भूलना, इसके दूध से ही तुम में इतनी अच्छी बुद्धि आई है। हाँ माँ, बिल्कुल। हाँ माँ, क्यों नहीं, कल प्रतियोगिता के लिए हमें दूसरे गांव भी तो जाना है। दोनों भाई बहन अगले दिन प्रतियोगिता के लिए अपनी गैया को सजाते हैं और दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। गांव में जैसे ही पहुंचते हैं, रास्ते से ही हर कोई बिंदु गाय को देखता ही रह जाता है, किसी की भी आंख उससे हटती ही नहीं।
अरे देखो बहन, कितनी प्यारी गैया है। भला तुमने कभी इतनी सुंदर गैया देखी है? हाँ हाँ, कितनी सुंदर है, एक भी गंदगी नहीं, बहुत साफ सुथरी। अरे बाप रे, इतनी सुंदर गैया, लगता है भगवान ने खुद इसे अपने हाथों से बनाया है। लगता है यही जीतेगी आज की प्रतियोगिता। गैया के पहुंचते ही सब लोग गैया की तरफ देखते रह जाते हैं। ना केवल गांव के लोग गैया को देखते हैं, बल्कि बाकी गायें भी गैया को निहारती रह जाती हैं, क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत और साफ सुथरी। प्रतियोगिता में बिंदु गैया को प्रथम स्थान मिलता है और उसे 50,000 रुपए का इनाम मिलता है। अरे दीदी, अब तो 50,000 का इनाम मिला है, इन पैसों से क्या करेंगे? हम और गैया खरीदेंगे, ये सब मेरी गैया का कमाल है। गुनगुन हमेशा अपने घर के सामने से एक बड़े विशाल हाथी को जाते हुए देखती है। आज फिर हाथी आया है, लगता है ये दूसरे गांव जा रहा है। माँ देखो ना, ये कितना सुंदर है। माँ इसे भी कुछ खिलाओ ना। अरे गुनगुन बेटा, इतनी गरीबी में हमारे खुद के खाने के लाले हैं और तू इस विशाल हाथी को भोजन कराना चाहती है, पागल हो गई है क्या? गुनगुन का हमेशा दिल करता कि वो भी हाथी को रोके और भोजन कराए। गांव के बड़े बड़े लोग उसे अपने घर बुलाते थे और भोजन कराते थे। यह देखकर गुनगुन बहुत खुश होती थी। हाथी बहुत सुंदर और बहुत प्यारा है, सब लोग अपने घर बुलाकर बहुत कुछ खिलाते हैं। कोई केले खिलाता है, कोई खीर खिलाता है, कोई हलवा पूरी खिलाता है। भगवान, मुझे भी हाथी की सेवा करनी है। काश हमारे पास भी अच्छे पैसे हो जाएं, तो मैं भी हाथी को दावत पर बुलाऊंगी। गुनगुन की ये चाहत देखकर उसकी माँ को उस पर बहुत प्यार आता है। वो हर रोज एक एक पैसा जमा करने लगती है। हे भगवान, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, परदेश में इसके बाबूजी दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। जो भी पैसा मैं मजदूरी करके कमाती हूँ, जैसे तैसे गुजारा कर पाती हूँ। हे प्रभु, अपनी बेटी की खुशी के लिए चंद सिक्के रोज बचाऊंगी। आपके भोग की जगह एक दिन इस हाथी का भोग लगाऊंगी। ये भी तो भगवान का ही रूप है, ये भी तो आप ही का अंश है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी खुश रहे, उसकी खुशी के लिए एक एक सिक्का हर रोज जोड़ूंगी। भगवान, उसकी ये इच्छा पूरी करने में मेरी मदद करो। गुनगुन की माँ मजदूरी करके जितने भी पैसे कमाती, उसका एक सिक्का हर रोज जमा करती। एक दिन जब गुनगुन की माँ के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं और गुनगुन का जन्मदिन आता है, तो वो गुनगुन से कहती है, गुनगुन कल तेरा जन्मदिन है बेटा। हाँ माँ, कल मेरा जन्मदिन है, मैं बहुत खुश हूँ। सच ना, तू खुश है ना? ये ले तेरी नई किताब, तेरी नई फ्रॉक और ये मैं कहना चाहती थी कि वो जो हाथी है ना, जो हर रोज यहाँ से निकलता है, कल उसे दावत पर बुला ले बेटा। मैं हलवा पूरी बनाऊंगी उसके लिए, उसे जरूर खिलाना। क्या सच कह रही हो माँ? तुमने तो कहा था हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं। हाँ कहा था, लेकिन मैंने एक एक पाई जमा करके उसके लायक थोड़ा सा अनाज भी इकट्ठा कर लिया है। कल हम उसे दावत पर बुला ही लेते हैं। सच माँ? गुनगुन बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन हाथी को दावत पर बुलाती है। हाथी और उसका मालिक दावत पर आते हैं। गुनगुन उन्हें हलवा पूरी खीर सब कुछ खिलाती है और खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। शुक्रिया माँ, तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं सच में चाहती थी कि हाथी राजा हमारे घर आए और हलवा पूरी खाएं। एक समय की बात है, एक गांव में किशोर नाम का मुर्गी वाला रहा करता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियाँ थी जिनके अंडे वो बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन एक दिन जब किशोर अपनी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर रहा था, तो वो एक चीज देखकर बड़ा हैरान रह गया। एक बड़ा अंडा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या, इतना बड़ा अंडा,
ये तो सबसे अलग है, बहुत अलग दिख रहा है। किशोर अंडे को हैरानी से देखता है और सोचने लगता है कि आखिर इतना बड़ा अंडा किस मुर्गी ने दिया होगा। वो जल्दी जल्दी बाजार गया और सारे बाजार के लोग बड़ा अंडा देखने के लिए वहाँ आए और हर कोई वो बड़े अंडे खरीदना चाहता था। अरे भैया, इतना बड़ा अंडा मुझे भी एक दे दो। बहन जी, ये बस एक ही है, इन्होंने ले लिया, आपके लिए मैं कल ला दूंगा। अरे भैया, मुझे भी चाहिए। हाँ भैया, मुझे भी। हर कोई किशोर का बड़ा अंडा लेना चाहता था। किशोर ने सबसे ज्यादा दाम पे वो अंडा बेच दिया। अब सभी किशोर को ऐसा अंडा फिर से लाने के लिए ललचाने लगे। भैया, कल ला दोगे ना ऐसा अंडा? मैं इंतजार करूंगा और आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ अच्छा, ओहो, अब इन लोगों को वो अंडा कहाँ से लाकर दूं? अगर कल ना दिया तो? और ये मुर्गी कौन है जो इतना बड़ा अंडा दे रही है? अगर इतना बड़ा अंडा देने वाली मुर्गी को बेचा जाए तब तो और भी फायदा हो सकता है। घर पहुंचकर किशोर को फिर से वही एक और बड़ा अंडा मिलता है। वो उसे उठाता है और जोर जोर से मुर्गियों से एक बात पूछने लगता है। बताओ मुझे, ये विशाल अंडा किस मुर्गी का था? तुम में से जिसने भी ये अंडा दिया है मेरे पास आओ, वरना मैं इन अंडों को फेंक दूंगा। यह सुनकर मुर्गी किशोर के पास भागती हुई आई। ये अंडा तो मैंने दिया है। किशोर मुर्गी को देख खुश हुआ और अगले दिन जाकर बाजार में जोर जोर से चिल्लाने लगा। भाइयों और बहनों, ये है वो मेरी चमत्कारी मुर्गी जिसने इतना विशाल अंडा दिया है। आओ आओ आओ, इसे खरीद ले जाओ, ले जाओ ले जाओ। किसी ने भी किशोर की बात का यकीन नहीं किया। मुर्गी भी समझ गई कि किशोर अब लालची बन चुका है और वो लालच के चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसने किशोर से बचकर अपने पंख फैलाए और जंगल की तरफ भाग गई। और अब किशोर के लालच के कारण ना मुर्गी बची और ना ही अंडा।